नमस्कार। ये देख लीजिए, सवाल है खतौनी से पलाट कैसे माप सकते हैं, इसको देख लीजिए। मात्र खतौनी देखकर अपना पलाट को कैसे मापेंगे, पूरा वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं, ये सवाल है 0.0160 हेक्टेयर और 0.1250 हेक्टेयर, 0.700 हेक्टेयर कितना बड़ा पलाट है, और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, इसके बराबर 2.47 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 1,08,900 वर्ग फीट, इसके बराबर 2.5 एकड़ होता है। इंपीरियल सिस्टम दुनिया के कई देशों में इसका उपयोग होता है और इसका उपयोग भी होता है कई राज्यों में। पूरा वीडियो को देखिए। इसका प्लाट आपका है, आप चले जाइए अपना प्लाट में। ये देखिए आपका प्लाट यहां पर आ गए हैं, तो आप ये 20 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई का मापिए। ये 0.0160 हेक्टेयर का प्लॉट है। ये इस तरह जाइए प्लाट में, आते हैं तो इस तरह से माप सकते हैं। ये 5 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर चौड़ाई का हो सकता है और इधर कम होगा, यानी कि इसका आकार कई तरह का हो सकता है, लेकिन इतना होगा क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर, 20 × 8 = 160। देख लीजिए कैसे निकालते हैं, 0.0160 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बराबर 160 वर्ग मीटर, इस प्रकार से इतना वर्ग मीटर होगा। और वर्ग फीट में इसके आधार पर, वर्ग फीट में इसी के अनुसार इसको वर्ग मीटर में बदलते हैं, वर्ग फीट में बदलते हैं, तो ये 1722 वर्ग फीट होगा। वर्ग फीट में इतना बड़ा, इस तरह से इसको भी आप बदल सकते हैं गुणे फीट में, 3.28 कर दीजिए, दशमलव के बाद आउट डिजिट भी ले लीजिए, गुणा करके फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। और इसे इसी को यहां पर, ये हमारे क्षेत्र में जैसे इसका उपयोग करते हैं, तो हमारे यहां कितना प्लाट होगा देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 0.0160 गुणा कर दीजिए 1,08,900 से। ये देखिए यहां पर गुणा करने पर इसका, मैं कैलकुलेट किया हूं, 1742.4 वर्ग फीट होगा। लिख लीजिए 1742.4 वर्ग फीट का होगा। ये देखिए हमारे यहां बड़ा होगा और आपके यहां कुछ अंश छोटा होगा, ये 1722 वर्ग फीट का होगा। यहां पर देखिएगा 1 वर्ग मीटर बराबर, 1 वर्ग मीटर बराबर 10.763 वर्ग फीट होता है, स्क्वायर फीट इतना होता है, इस तरह से। अब इसका निकालना चाहेंगे, अब दोनों का देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, देख लीजिए। अब इसका निकालते हैं दूसरा 0.1250 गुणा में कर दीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बराबर ये 1250 वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर यदि प्लाट में आप जाते हैं तो सीधे इस तरह का बना लीजिए, नाप लीजिए इसको, ये 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई का होगा, इस तरह से बहुत ही आसानी से। और यहां पर जाते हैं 0.700 हेक्टेयर के प्लाट में आप चले गए हैं, तो वहां पर आप वर्ग मीटर में निकाल लीजिए 7000 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 बराबर 7,000 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर होगा, 7,000 वर्ग मीटर होगा। यदि प्लॉट बनाते हैं आप तो ये देख लीजिए
ये 100 मीटर लंबाई और 70 मीटर चौड़ाई आप माप लीजिए इस तरह से। चाहे लंबाई चौड़ाई अलग अलग भी हो सकता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।